नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम योर दिनेश सर। आई एम गोइंग टू टीच ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट जीके। व्हिच टॉपिक इज योगा एंड हेल्थ। एज यू नो दैट वी आर फेसिंग ए वेरी डेंजरस पैंडेमिक, दैट इज COVID-19। एंड इन दिस सिचुएशन योगा can play a key role to keep us healthy. So now I will discuss about yoga, where it is originated and what are the stages of yoga and what are the branches of yoga. So let's start with the definition. So what is the definition of yoga? Yoga is a complete science of life that originated in India thousands of years ago. That means yoga is originated in India thousands years ago. It is complete science of life. It is the oldest system of personal development in the world. That means ये हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए एक बहुत ही पुराना सिस्टम है। इनकम्पेसिंग द एंटायर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, जो हमारे शरीर, हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा तक को शुद्ध करता है और उसे स्वस्थ रखता है। इट इज द यूनियन बिटवीन ए पर्सन्स ओन कॉन्सियसनेस एंड द यूनिवर्स कॉन्सियसनेस। दैट मीन्स ये हमारे चेतना और विश्व की चेतना का एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट 8 स्टेजेज ऑफ योगा। दैट मीन्स योगा हैड 8 स्टेजेज। व्हाट आर द स्टेजेज? द फर्स्ट स्टेज इज यमा। दैट मीन्स यम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यम। व्हाट इज यमा? तो यमा इज सेल्फ कंट्रोल। दैट मीन्स हाउ कैन वी कंट्रोल आवर सेल्फ्स, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। एंड इन द लैंग्वेज ऑफ योगा इट इज कॉल्ड यमा। द सेकेंड स्टेज इज नियम। नियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियम? नियम, द मीनिंग ऑफ नियम इज रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। दैट मीन्स वी शुड ट्राई आवर सेल्फ कीप अकॉर्डिंग टू रिलीजियस ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिलीजन। दैट मीन्स हमें अपने धर्म के नियमों का पालन करते हुए हर कार्य करना चाहिए। द थर्ड स्टेज ऑफ योगा इज आसन। दिस इज कॉल्ड पॉस्चर्स। वी हैव एवरी पॉस्चर्स अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ आवर योगा। दैट मीन्स हमें हर चीज का, हर कार्य करने का एक मुद्रा, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग, तो उस मुद्रा का पालन करना चाहिए। जैसे हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, इन सब पॉस्चर्स को हमारे योगा में बताया गया है। तो आसन का मतलब हमारा होता है कि हमारी मुद्रा, हर कार्य को करने का जो सही तरीका है, सही बैठने का तरीका, सही सोने का तरीका, सही चलने का तरीका, वो हमारा तीसरे स्टेज में बताया जाता है योगा के। एंड द फोर्थ इज प्राणायाम। द फोर्थ इज प्राणायाम, दैट मीन्स ब्रीथ रेगुलेशन, मतलब जो हमारी श्वसन क्रिया है, जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं, उसको हम किस प्रकार परफॉर्म करेंगे। मतलब ये कि सांस को मुंह से लेना चाहिए कि नाक से लेना चाहिए, ये हमें योगा में बताया गया है। और कितने अंतराल पे लेना चाहिए, कितने अंतराल पे छोड़ना चाहिए, ये हम योगा के चौथे स्टेज में हम देखते हैं। एंड द फिफ्थ इज प्रत्याहार।
द फिफ्थ इज प्रत्याहार, दैट मीन्स रेस्ट्रेंट ऑफ वन सेंसेस, मतलब किसी की भावनाओं का कैसे हम लोग द फिफ्थ इज प्रत्याहार, दैट मीन्स रेस्ट्रेंट ऑफ वन सेंसेस, मतलब हर व्यक्ति को अपना संयम कैसे रखना चाहिए, ये हमें फिफ्थ स्टेज में बताया जाता है। मतलब ये कि हमें अपने आप में कैसे संयम रखना चाहिए, कैसे रिस्ट्रेंट रखना चाहिए, ये हमें फिफ्थ स्टेज में बताया जाता है। देन द सिक्स्थ इज धरना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धरना, द मीनिंग ऑफ धरना इज कंसेंट्रेशन, मीन्स हाउ कैन वी कंसेंट्रेट ऑन एनी टॉपिक एनी वर्क दैट इज टॉट इन द सिक्स्थ स्टेज ऑफ योगा धरना, दैट मीन्स कंसेंट्रेशन, हाउ वी कंसेंट्रेट ऑन एनी वर्क इज टॉट इन धरना। द सेवेंथ स्टेज ऑफ योगा इज ध्याना, ध्याना मीन्स मेडिटेशन, हाउ वी कीप एनीथिंग इन मेडिटेशन, हाउ कैन वी फोकस ऑन एनीथिंग दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। एंड द एट्थ स्टेज एंड फाइनल स्टेज ऑफ योगा इज समाधि, दैट मीन्स ट्रू नॉलेज, आफ्टर ऑल दिस सेवन स्टेजेस वी गॉट ट्रू नॉलेज ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड समाधि। बट कैन वी गॉट ओनली समाधि विदाउट एनी ऑफ सेवन स्टेजेस, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन गेट समाधि दैट इज एट स्टेजेस ऑफ योगा आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट टू सेवेंथ स्टेज। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सिक्स ब्रांचेज ऑफ योगा, हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ योगा इज, तो दैट इज सिक्स ब्रांचेज। द फर्स्ट इज हठा योग, हठा योग, व्हाट इज फर्स्ट ब्रांच ऑफ योगा इज हठा योग। द सेकेंड इज भक्ति योगा, द थर्ड इज राजा योगा, एंड द फोर्थ इज ज्ञान योगा, एंड फिफ्थ इज कर्मा योगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हठा योगा, द मीनिंग ऑफ योगा इज हठा योगा इज द पाथ ऑफ फिजिकल योगा, वी यूज व्हेन वी यूज फिजिकल एक्सरसाइजेज दैट इज कॉल्ड हठा योगा, और योगा ऑफ पोस्चर्स दैट मीन्स हम जो मुद्राएं प्रयोग करते हैं विभिन्न कार्यों के लिए या व्यायाम की जो मुद्राएं प्रयोग करते हैं वो हमारा कहलाता है हठा योगा या दैट मीन्स हठ योग। इट इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच ऑफ योगा, ये जो ब्रांच है वो सबसे लोकप्रिय ब्रांच है। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि वी डू एक्सरसाइजेज डेली टू कीप अवर बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी। द सेकेंड इज भक्ति योगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ भक्ति योगा, द मीनिंग ऑफ भक्ति योगा इज द पाथ ऑफ हार्ट एंड डिवोशन, द पाथ ऑफ हार्ट एंड डिवोशन, और द योगा ऑफ डिवोशन, दिस इज भक्ति योगा, दैट मीन्स डिवोटी टू एनीवन टुवर्ड्स गॉड और टू एनी पर्सन दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। एंड द थर्ड इज राजा योगा, राजा योगा मीन्स इज द पाथ ऑफ योगा दैट फोकसेज ऑन मेडिटेशन एंड कंटेम्प्लेशन, इसका मतलब ये होता है कि हमें मेडिटेशन का कितना प्रयोग करते हैं वो हमें राज योगा में सिखाया जाता है। एंड द फोर्थ इज ज्ञान योगा, ज्ञान योगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्ञान योगा, ज्ञान योगा इज द पाथ ऑफ योगा, ज्ञान योगा इज द पाथ ऑफ योगा दैट डील्स विद द विजडम एंड नॉलेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज्ञान का मतलब होता है विजडम एंड नॉलेज, तो हमारा जो ये ब्रांच होता है छह ब्रांचों में से, छठवां ब्रांच मैंने लिखना भूल गया हूं मैं,
तो छठवा ब्रांच होता है तंत्र योगा। चौथा हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो व्हाट इज ज्ञान योगा, तो दैट वे ऑफ योगा विच डील्स विथ नॉलेज एंड विजडम इज कॉल्ड ज्ञान योगा। जैसे आप लोग अगर क्लास में पढ़ते हैं या घर पे पढ़ते हैं तो ये भी एक तरह का क्या है, योग है। और ये इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें नॉलेज मिलता है, विजडम मिलता है। इसलिए इसको एक योगा का ही एक ब्रांच माना गया है, एक योगा का ही तरीका माना गया है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड द फिफ्थ इज कर्म योगा। व्हाट इज कर्म योगा? कर्म योगा बिलीव्स दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज बेस्ड ऑन योर पास्ट। योर प्रेजेंट सिचुएशन इज बेस्ड ऑन योर पास्ट, मतलब ये कि हमारा जो कर्म योग है ये मानता है कि हमारी जो आज की स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है, द प्रेजेंट सिचुएशन इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट, मतलब हमने जो पिछले जन्म में जो कार्य किया है, जो किया है, जो अतीत में हमने किया है, उसी के आधार पे हमारा वर्तमान चलता है, वर्तमान हमारा उसी का परिणाम है। इसलिए हमें आज जो करेंगे इसका परिणाम हमें बाद में मिलेगा, ये सोचकर हमें अच्छे कार्य करना चाहिए ताकि उसका परिणाम भी हमें अच्छा मिल सके। एंड द फिफ्थ सिक्स्थ इज तंत्र योगा। व्हाट इज तंत्र योगा? तंत्र योगा इज द पाथ ऑफ रिचुअल एंड परहैप्स द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पाथ। ये एक बहुत ही रहस्यमयी योगा का ब्रांच है जो कि विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं इसमें वो रहस्यमयी होते हैं, जिसको कि तंत्र योग कहते हैं। तो ये हमने आज अभी ये देखा कि 8 स्टेजेस ऑफ योगा एंड 6 ब्रांचेस ऑफ योगा। तो आप लोग ये याद कर लेंगे, यू विल रिमेम्बर ऑल द 8 स्टेजेस ऑफ योगा एंड 6 ब्रांचेस ऑफ योगा एंड देयर मीनिंग्स आल्सो। दैट आई एम रिपीटिंग ट्वाइसली। द फर्स्ट स्टेज ऑफ योगा इज यम, दैट मीन्स सेल्फ कंट्रोल। द सेकेंड इज नियम, दैट इज रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। द थर्ड इज आसन, दैट मीन्स पोस्चर्स। द फोर्थ इज प्राणायाम विद रेगुलेशंस। द फिफ्थ इज प्रत्याहार, रिस्ट्रेंट्स ऑफ वन्स सेंसेस। द सिक्स्थ इज धरना, कंसेंट्रेशन। सेवेंथ इज ध्याना, दैट मीन्स मेडिटेशन। द एट्थ इज समाधि, दैट इज ट्रू नॉलेज। एंड द सिक्स ब्रांचेज इज रिमेम्बर्ड बाय यू। द फर्स्ट हठा योगा, द सेकेंड भक्ति योगा, द थर्ड राजा योगा, द फोर्थ ज्ञान योगा, द फिफ्थ कर्म योगा, द सिक्स तंत्र योगा। विथ दिस आई एम कीपिंग माई वर्ड्स इन रेस्ट। यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू। गुड बाय।